अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? मज़े में हैं? ठीक ठाक? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोग पहुँचे थे फैसलाबाद, और हम फैसलाबाद पहुँचे और फैसलाबाद ना घूमे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आए थे किसी काम से, पर थोड़ा सा टाइम था तो हमने कहा चलो निकलते हैं और थोड़ा घूमते हैं, फैसलाबाद को डिस्कवर करते हैं। लास्ट टाइम मतलब लास्ट ईयर भी आए थे तो वीडियोस बनाई थी, वो मैंने अपने चैनल पर डाली थी, वो भी मेरे चैनल में मौजूद हैं। आप प्लीज़ उनको भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करिएगा। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, हम लोग अभी इस वक्त घूम रहे हैं बाइक पर। आए थे फैसलाबाद और बाइक पर निकल गए। सर्दी का मौसम, ठंडे मौसम में हल्की हल्की धुंध और ख़ूबसूरत सा मौसम और फैसलाबाद की साफ़ सुथरी सड़कें, जो खूब मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। देखें कितना साफ़ सुथरा फैसलाबाद, हर तरफ सफाई सुथराई और साफ़ सुथरे रोड, बिल्कुल क्लियर रोड। बस ऐसे ही रोडों पर हम लोग घूम रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे मौसम को, वेदर को। और चलते चलते फिर हम लोग पहुंच गए हैं घंटाघर, जो फैसलाबाद की फेमस जगह है घंटाघर, क्योंकि फैसलाबाद मशहूर ही इन बाज़ारों की वजह से है। तो ये रास्ता फैसलाबाद की घंटाघर के बाज़ारों का एक गेट बना हुआ है जैसा आपको दिख रहा है सामने। तो इस वक्त बाइक पर काफ़ी कैमरा हिल रहा था, सॉरी उसके लिए, क्योंकि कैमरा में लगाया तो ज़्यादा ही कुछ आगे पीछे हो रहा है, उसके लिए माजरत खाते हैं। ये बाज़ार के अंदर इंटर हो गए, सुबह सुबह का टाइम था, 10 से 11 बजे का टाइम, इसके लिए दुकानें सारी बंद थी, रश नहीं था, सुकून से बाज़ारों के अंदर आराम से घूम रहे थे। ये घंटाघर चौक, फैसलाबाद की चांद और पहचान घंटाघर, वो अभी भी उसी तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा और उसी तरह वर्किंग करता हुआ घंटाघर। तो घंटाघर आए और बंगाली की लस्सी ना पिए, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम घंटाघर आए हों और बंगाली की लस्सी ना पिए। आपको जैसा कि पता है, बंगाली की लस्सी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत प्यारी, वीडियो में लास्ट दफ़ा भी आ रहे हैं तो जब भी हमने पी थी, अब इस बार पी आए तो हमने सिर्फ लस्सी का इंतखाब किया, नाश्ता क्योंकि हम घर से करके आए थे दोस्त के, इसलिए सिर्फ लस्सी मंगवाई और लस्सी से फुल एंजॉय किया। लस्सी से हो गए फारिग, वही जायका अभी तक, वही मज़ेदार लस्सी मलाई वाली मक्खन में मिली, मज़ा आ गया लस्सी पी के। उसके बाद हम निकल गए बाज़ारों में घंटाघर से। आपको पता है 8 बाज़ार मुख्तलिफ निकलते हैं, मुख्तलिफ नामों के बाज़ार निकलते हैं, हर बाज़ार में मुख्तलिफ दुकानें हैं, कहीं कपड़े की, कहीं जूतों की, कहीं शॉप ग्रॉसरी की, हर तरीके, कहीं मेडिकल। तो मतलब 8 के 8 बाज़ारों में 8 की 8 अलग तरीके की शॉप्स हैं। आपको जो चाहिए, जिस तरह की चीज़ चाहिए आपको इन बाज़ारों से मिल जाएगी। और यहाँ हर तरह के मशहूर मशहूर पकवान भी आपको मिलेंगे, जो कि पूरे फैसलाबाद की शान है। हर तरह का फेमस खाना आपको यहाँ मिलेगा और हर तरह की चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी। फैसलाबाद की जो मशहूर पुलाव, ये जहांगीर पुलाव, उसके सामने से हम गुज़र रहे थे, इसको भी हमने ट्राई किया था लास्ट वीडियो में, मौजूद है आपको, लास्ट ईयर जब आए थे जहांगीर की पुलाव खाई थी। और इस बार क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता करके निकले थे तो इसको दोबारा ट्राई नहीं किया। बाज़ारों को घूमने के बाद फिर हमने प्रोग्राम बनाया डी ग्राउंड जाने का। लोग आए थे, हमने व्लॉगिंग की थी तो उस वक्त हम डी ग्राउंड ना जा सके, तो इस बार हमने सोचा, और सुबह सुबह टाइम भी, मौसम भी अच्छा है, क्यों ना सुबह सुबह जाके डी ग्राउंड को डिस्कवर किया जाए, क्योंकि वह भी एक, आपको पता है, थोड़ी मशहूर फेमस जगह है फैसलाबाद की। अगर आप कहें कि फैसलाबाद जा रहे हैं और डी ग्राउंड ना जाएं तो अजीब सा हो जाएगा कि भाई फैसलाबाद आए और डी ग्राउंड नहीं गए, क्योंकि डी ग्राउंड और समझ ले तरीके से उसका दिल कहते हैं, रौनक
सबसे ज़्यादा डी ग्राउंड के अंदर होती है रात के टाइम, लेकिन हम लोग जा रहे हैं इस वक्त सुबह के टाइम, तो आप हमारे साथ रहिएगा। डी ये हम लोग आ गए हैं डी ग्राउंड पे, फैसलाबाद का एक बहुत ही फेमस जगह है, फेमस डी ग्राउंड। बड़ा खूबसूरत व्यू है यहाँ का इस वक्त, शायद मौसम की वजह से, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो फैसलाबाद की रोड्स दिखा रहा था मैं आपको, जैसे छोटी रोडों पे ये देखें, घूमते फिरते हम डी ग्राउंड तक आ गए। ये इसकी जड़ें दरख्तों की, गेंदे का फूल बढ़िया खूबसूरत, देखें इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है इसको, हल्की हल्की सी धूप, बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं नज़ारे ये। ख़ास तौर पर ये दरख्त देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें दरख्त कौन सा है, नाम तो मुझे नहीं पता, जिसकी जड़ें कराची में भी काफ़ी जगह पे है ये, देखा है मैंने। और ये देखें इसकी जड़ें जो ऊपर से लटकती हैं, यहाँ पर लगे हुए काफ़ी दरख्त इस तरह के। ये एक व्यू यहाँ से पार्क का, ये जो इसकी मेरे ख्याल से मेन एंट्रेंस है सामने की, हम पीछे की साइड से आए हैं, यहाँ से आते ही आपको ये इस तरह कुछ व्यू मिलता है देखने को, बड़ा खूबसूरत सा है आर्ट। लायलपुर जो का इसका दूसरा नाम है, पुराना नाम फैसलाबाद का, आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा हुआ लकड़ी पे। बच्चों के थोड़ी देर झूले लगे हुए इस जगह पे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत फूल लगाए हैं। ये देखें मुख्तलिफ कलर्स के, ये कलर देखें आप फूलों का, कितना खूबसूरत कलर है, गेंदा बड़ा। नाम तो नहीं पता किस तरह का, लेकिन है अच्छा गेंदे की तरह ये लग रहा है बिल्कुल। वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलने पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टी आज अब तो सारे यहाँ, अक्सर बच्चों की छुट्टियाँ होंगी, मतलब ऑफिस की भी छुट्टी आज। ये कुछ स्कूल्स के बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, यूनिवर्सिटी कॉलेज। तीन साल पहले आया था, उसके हिसाब से आज का काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इतना ऐसा नहीं था, जिस तरह का अभी ये कर दिया रेनोवेट, फुल ग्रीनरी ग्रास के साथ, काफ़ी अच्छा पार्क है, फैमिली पार्क है बच्चों के लिए। यहाँ भी बच्चों के झूले हैं कुछ, चलें काफ़ी टाइम हो गया हमें जाने के लाहौर, तो अब हम चलते हैं ड्राइवर में लाहौर जाएंगे, अड्डे की तरफ चलते हैं और आपको वो भी साथ दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा मज़ार बनाया हुआ है कैदम का इसका, घोंसले लगाए हैं बच्चों के चिड़ियाओं के लिए खूबसूरत से। निकलते हैं बाहर, वापसी बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, वापसी का सफ़र करते हैं, फिर लाहौर जाना है। चलें फिर आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, या फिर इसी में देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे या अगले व्लॉग में देंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।